वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम इन्वायरमेंट लॉ में डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईपीए। आज की वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शंस कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडियाज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। यानी कि जो इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई भी प्रोविजन कंटेन नहीं करता। कौन से प्रोविजन कंटेन नहीं करता, किससे रिलेटेड है प्रोविजन? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। यानी कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं थे इंडिया के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? जब हमारा देश आजाद हुआ था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है, ना कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यानी कि जो हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, आर्टिकल्स क्या करता है, कंटेन करता है किसके बारे में? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। द कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इन इंडिया इज नथिंग न्यू। इंडियाज हैव बिलीव दैट ऑल द क्रिएचर ऑन द अर्थ आर फैमिली। जो हमारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है इंडिया में, ये कुछ नया कंसर्न नहीं है। इंडिया भैया बिलीव करती है जो भी सारे क्रिएचर्स हैं अर्थ पे वो क्या है, एक फैमिली है, इंक्लूडिंग ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एट प्रेजेंट अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। क्लियर? जो एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो क्या करता है, कंटेन करता है प्रोविजन किसके बारे में? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। अब ये किसके थ्रू एड ऑन हुए थे? कोई अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट करे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन सा अमेंडमेंट है? बिल्कुल सही, बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से हमारे आर्टिकल्स इंसर्ट करे गए थे? आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG। क्लियर? अब देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल क्या क्या कहते हैं। आर्टिकल 48A क्या कहते हैं? वॉज एडेड एज अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी विच स्टेटेड दैट it was the state's responsibility to make efforts in order to protect and improve the environment and to safeguard the forests and the wildlife of the country. अब देखिए 42 यानी कि 47 amendment act के थ्रू हमारे कुछ आर्टिकल इंसर्ट करे गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, किससे रिलेटेड है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट। अब कौन सा आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 48A के बारे में पढ़ रहे हैं। वो क्या कहता है? पहले ये आर्टिकल किस में एड ऑन करा गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में एड ऑन करा गया था? डीपीएसपी पे, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एड ऑन करा गया था। तो क्या कहता है आर्टिकल? इट वाज द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब स्टेट की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, की हमारे जो एनवायरमेंट है उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे सेफगार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, किसे, फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, इन सबको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, ये क्या है, स्टेट की ड्यूटी है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं आर्टिकल 51AG के बारे में। ये क्या कहता है आर्टिकल? डिक्लेयर्स दैट इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। यानी कि आर्टिकल 48A तो किसके बारे में बात कर रहा था, स्टेट की ड्यूटी के बारे में। स्टेट की ड्यूटी क्या है? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, इंप्रूव करे। और आर्टिकल 51AG किसके बारे में बात करता है, कि हम सभी सिटीजन्स की क्या है, ड्यूटी है कि हम अपने एनवायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें, इंप्रूव करें। यानी कि हम ट्रीज ना काटें, ये सब चीज ना करें, अपने एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं, उसे कैसे कहते हैं, इंप्रूव करें। क्लियर? अवर जुडिशरी हैज आउटलाइंड इन अ नंबर ऑफ जजमेंट्स दैट आर्टिकल 21 विच गारंटीज द राइट टू लिव एंड डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट एंड सेफ एनवायरमेंट। यानी कि अगर हम अपनी जुडिशरी के बारे में बात करें तो उसने क्या करा था, जजमेंट्स के थ्रू हमारे आर्टिकल 21 के बारे में हमें बताया था। जो आर्टिकल हमारा 21 है वो क्या कहता है, राइट टू लिव एंड डिग्निटी। यानी कि एक मनुष्य को अधिकार है, कैसा, क्या चीज का अधिकार है, जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार भी कैसे है, द राइट टू लिव इन अ हेल्दी एंड सेफ एनवायरमेंट। यानी कि एक मनुष्य, एक ह्यूमन बींग क्या कर सकता है, जी सकता है, और एक सेफ एनवायरमेंट पे। यानी कि हम पशुवत जीवन नहीं जिएंगे, ऐसा नहीं है आपको कूड़े के ढेर के आसपास रख दिया जाए, या 10 फैक्ट्रीज मेरे घर के आसपास बना जाए, उनसे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन रिलीज हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सब एक टॉक्सिक लाइफ मुझे दे दी जाए। नहीं, एक मुझे राइट है अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे राइट है कि मैं एक सेफ एनवायरनमेंट क्या कर सकूं, एंजॉय कर सकूं। यानी कि जो वायु है वो क्या हो, क्लीन हो, यानी कि एयर जो मैं सांस लेता हूं वो क्लीन एयर मिले मुझे, जो ड्रिंक करता हूं वाटर, यानी कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर? इन द केस ऑफ सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इट वॉज ऑब्जर्व दैट द राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यह हमारा किस केस में डिस्कस हुआ था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि जो हमारा राइट है वो किस चीज का राइट है, आर्टिकल 21 के अंदर क्या राइट है हमारा, कि हम एक पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर क्या कर सके, एंजॉय कर सके। क्लियर? इट वॉज विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकल 253 that the Indian Parliament enacted the Environment Protection Act 1986 to give
अफेक्ट टू द डिसीजंस टेकन एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 जो हमारी यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था भैया, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसमें हमने क्या करा था, पार्लियामेंट ने क्या करा, एनेक्ट करा था हमारा ईपीए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। किस आर्टिकल थ्रू करा था, आर्टिकल 253। इन 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द वेकअप ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी विच अकर्ड ऑन December 2, 1984। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद दिसंबर जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन हुई थी, यानी कि December 2, 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद भाई हमारे पार्लियामेंट और हमारे स्टेट ने सोचा कि अब यार अब एक ऐसा एक्ट चाहिए जिससे हम क्या कर सके, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो 1986 में क्या पास करा गया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ईपीए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास ऑन 23 May 1986 एंड केम इन टू फोर्स ऑन 19 November 1986। तो बच्चों एक बार इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, जब भी आप ईपी के बारे में लिखें, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखें, और जरूर हाईलाइट तो जरूर कर दीजिए कि कब एक्ट पास हुआ, जो भी एक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, आईपीसी हो, कब एनफोर्समेंट डेट है, एनफोर्समेंट डेट, एनएक्टमेंट डेट, ये तो आपको जरूर रटी हुई होनी चाहिए। तो ईपीए 1986 कब हमारा पास हुआ था, 23 मई में पास हुआ था, और 19 नवंबर 1986 में क्या आया था, फोर्स में आया था। क्लियर। The responsibility to protect and preserve the environment and implement the provision of the act is entrusted in our country to Ministry of the Forest and the Environment. Clear? अब अगर हमने जो EPA के बारे में बात करा, EPA से हमें नाम से समझ आ रहा था, EPA बना क्यों था? Environment Protection Act. Environment को protect करने के लिए act बना था। तो ये क्या contain करता होगा, ऐसे provision contains करता होगा जो क्या करेंगे, environment को protect करेंगे। जैसे अगर किसी भी person ने क्या करा, एक्सेस अमाउंट में, एक्सटेंडेड लिमिट से ज्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या कर दी, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर दिया, हार्म कर दिया, तो वो पे करेगा, ऐसे कुछ प्रोविजंस पेनलाइज करा जाएगा, कंपनसेट करना पड़ेगा उसे, तो ऐसे कुछ प्रोविजन कंटेन करता होगा। तो अब उसके पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ईपीए के, टू इंप्लीमेंट द सिग्निफिकेंट डिसीजन टेकन रिलेटिंग टू द एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन एट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इन June 1972। तो देखिए हमारा ये जो ईपीए का था, तो ये ईपीए क्या चाहता था, जो भी हमारी यूएन कॉन्फ्रेंस थी, यूएन कॉन्फ्रेंस कौन सी थी, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हमारी कब हुई थी, June 1972 में हुई थी। तो इसमें क्या बारे में बात हुई थी, इसके स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है स्टूडेंट्स, वो एनवायरमेंट लॉ की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए ट्राई क्या करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाता हूँ और उसमें सारे ही जो सब्जेक्ट की वीडियो रहते हैं सीक्वेंस वाइज अपलोड करता हूँ। अगर आपको ऐसे कोई प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, फॉर एग्जांपल सीपीसी एविडेंस एक्ट नहीं दिख रहा, तो स्टूडेंट प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, उन टॉपिक्स में भी वीडियो जल्दी आपको उपलब्ध होगी। क्लियर। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में जो हम किसके बारे में बात हुई थी, एनवायरमेंट के बारे में हुई थी। अब एनवायरमेंट क्या था, एक हमारा ग्लोबल इशू था, तो उसके बारे में बात हुई थी कि कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनमें जो बात हुई थी उन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए, तो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में डिसीजन लिए गए। इंडिया ऑलरेडी हैड सम लेजिस्लेशंस रिलेटेड टू द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। इंडिया के पास कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस थे, हमारे लेजिस्लेशंस थे किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट देयर वॉज अ नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन दैट फिल द गैप्स इन द एग्जिस्टिंग लॉ। जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे उनमें जो गैप आ रहा था, उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की हमें क्या पड़ गई थी, नीड पड़ गई थी इंडिया को। तो इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव नीड को सेटिस्फाइड करने का कॉम्प्रिहेंसिव एक लेजिस्लेशन बनाया, क्या, ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर। दस इट वॉज एनेक्टेड टू ब्रिंग द जनरल लेजिस्लेशन इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कवर अदर मेजर एरियाज ऑफ द एनवायरमेंट हजार्ड्स दैट वर प्रीवियसली अनकवर्ड। जो जो हमारी चीजें, जो मेजर एरियाज हमारे कवर्ड नहीं हो पा रहे थे, जो हमारे मेजर एरियाज कवर्ड नहीं हो पा रहे थे, जो पहले अनकवर्ड थे, तो ईपीए ने क्या करा, उन सारे मेजर एरियाज को क्या करा, कवर्ड करा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो हमारा ईपीए था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसने क्या प्रमोट करा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेज रहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें इस तरीके से यूटिलाइज करें कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड है वो भी सेटिस्फाइड होगा, और जो फ्यूचर जनरेशन है उनको क्या ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम नेचुरल रिसोर्सेज का बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हमारा क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि भैया हम डेवलपमेंट भी करेंगे और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। क्लियर। सर्टेन ऑफ अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट इंडस्ट्री दैट कैन इशू डायरेक्ट ऑर्डर्स इंक्लूडिंग क्लोजर ऑर्डर्स। तो इसमें क्या हुआ, ईपीए में, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में किस चीज का क्रिएशन हुआ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज का। भैया अथॉरिटीज बनाई गई, क्यों बनाई गई, कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, उन्हें रेगुलेट करने के लिए। अगर वो बहुत एक्सेस अमाउंट में क्या कर रही है, बहुत स्टैंडर्ड से भी अप जा रही है, क्या पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रही है, तो भैया ये अथॉरिटीज क्या कर सकते हैं, क्लोजर ऑर्डर्स भी दे सकते हैं, यानी कि
ताला लगा सकते हैं उन फैक्ट्रीज में. क्लियर? इम्पोजिंग पनिशमेंट्स पेनल्टीज ऑन दोज हु एंडेंजर द एनवायरमेंट. जो पर्सन क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, एंडेंजर में ला रहा है, तो उन पर्सन पे क्या इंपोज करना है, क्या पनिशमेंट एंड पेनल्टीज. अटेनिंग प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लिव अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो इसका ऑब्जेक्टिव एक और था, जो हमारा EPI एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो चाहता था कि सभी पर्सन जो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है उसमें क्या कर सके, उन चीजों को रिसीव कर सके. अब आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि एक पर्सन इंजॉय कर सकता है हमारे एयर वाटर, क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर. क्लियर? तो ये हमारा राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में. तो इसको अटेन करने के लिए भी हमारा हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है किसका, EPA का. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नीड. अब हमें क्यों जरूरत पड़ी होगी, अपने हिसाब से, अभी नोट्स को छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से सोचिए. मैं बिल्कुल बिल्कुल रॉ तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से, कि हमें कुछ नहीं पता, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता, और हम इतना पता कर लेंगे, इतनी नॉलेज ले लेंगे कि फिर जब हम अगर हम लॉ कक्षा से पढ़ेंगे ना, तो फिर हमारी नॉलेज का आगे कोई भी नहीं होगा. तो हम बेसिक लेवल से लेते हैं, हम रटेंगे नहीं, क्रैम नहीं करेंगे. हमें बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट्स का सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, हमें क्रैम नहीं करना, हमें समझना है चीज़ों को, हमें किसी भी तरीके से समझना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, हमें क्रैम नहीं करना, हमें अपनी नॉलेज चाहिए बस. तो अब नीड क्या होती है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की क्या जरूरत पड़ेगी, नाम क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला एक्ट बना है. तो उसमें प्रोविजंस है एनवायरनमेंट को किस किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, तो उसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हम एक एक्सेस अमाउंट में एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे होंगे. खुद ही बन गया ये एनवायरनमेंट लोग, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप खुद ही क्रिएट, मतलब खुद ही आंसर लिख सकते हैं चीजों को. तो स्टार्ट करते हैं. The need of the strict and rigid legislation for the environment protection was felt in India because of the following reasons. कि इंडिया में एक नीड थी, किस चीज़ की नीड थी, एक स्ट्रिक्ट और रिजिड लेजिस्लेशन की, लॉज की नीड थी, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब किन किन रीजन की वजह से हो रही थी देखते हैं. फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यूएन कॉन्फ्रेंस थी. कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम जगह में हुई थी, जून में हुई थी. तो इसमें क्या बारे में बात हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात हुई थी. The first was the Stockholm Conference, which highlighted internationally the impact of the human activities were having on the environment. Development and the environment were at crossroads with each other, and the conference brought into the focus of urgency of their reconciliation for the benefit of the humanity and the planet as a whole. तो यानी कि जो हमारी human activities हो रही थी, उनका impact के बारे में बात हुई थी. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में पॉल्यूट कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को. तो ये सब चीज़ किसके बारे में, कहाँ बात हुई थी, इसमें चर्चा कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हुई थी. तो हमें तब पता चल चुका था, इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ कि हमें एक जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है, ऐसे रिकन्सिलेशन की, यानी कि एक ऐसा मेथड अडॉप्ट करना है, ऐसा कंसेप्ट अडॉप्ट करना है, ऐसे लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट है जो क्या कर सके, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके. द सेकेंड was Bhopal gas tragedy. The in this incidents underlined the importance of regulating the industry so that they do not get away easily from the punishment of causing harm to the environment. अब second reason क्या था, Bhopal gas tragedy. Bhopal gas tragedy में क्या होता, excess amount पे क्या हुई थी, gas release हो गई थी. तो इस incident के बाद भी हमें पता चल गया, तो 1984 में हुई थी release, दिसंबर 2 में. तो इस gas की tragedy के बाद हमें पता चल चुका था कि हमें एक ऐसा law चाहिए जो पर्सन क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहा है, उसे भैया पेनलाइज करना पड़ेगा, पनिशमेंट देनी पड़ेगी. क्लियर? ऑल्सो द नीड वॉज फेल्ट बिकॉज द इंडिया हैड सम लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, बट देयर वॉज नो कॉम्प्रेहेंसिव लॉ दैट कंसर्न देम एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज एंड फंक्शन. यानी कि इंडिया के पास कुछ एग्जिस्टिंग लॉज थे, जैसे एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो गया, बट हमारे पे कोई भी कॉम्प्रेहेंसिव लॉ नहीं था. यानी कि एयर एक्ट किसके, एयर पोल्यूशन के बारे में, एयर को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन क्या करेगा, वाटर एक्ट क्या करेगा, वाटर से जो भी पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जैसे भी वाटर पोल्यूट हो रहा है उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करेगा, बट कहीं भी हमारे कॉम्प्रेहेंसिव लॉ नहीं है. जो इन एग्जिस्टिंग लॉ के बीच में गैप आ रहा था, उन्हें फुलफिल करने के लिए एक एक्ट की जरूरत थी, और वो एक्ट क्या था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. Why this Environment Protection Act called an umbrella act? अब इस Environment Protection Act को umbrella act क्यों कहा गया? The Environment Protection Act is called umbrella act because of the following reason. अब इन कुछ reasons की वजह से जो हमारा EPA Act है, Environment Protection Act है 1986 का, उसे क्या कहा? एक umbrella act कहा गया. Clear? It established the basic framework for planning and executing large-scale strategy to protect and improve the overall environment rather than the focusing on the specific aspects. अगर हम बात करते हैं कि हमारे Environment Protection Act को Umbrella Act क्यों कहा जाता है, तो first reason क्या कहता है कि भैया जो हमारा EPA है वो क्या करता है, एक basic framework तैयार करता है किसके लिए, planning और executing के लिए, planning और execution के लिए. planning और execution किस चीज के लिए, लार्ज स्केल स्ट्रैटेजीज के लिए, और किस पर्पज को अचीव करने के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी ओवरऑल एनवायरनमेंट. यानी कि
ओवरऑल इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, उनके लार्ज स्केल स्ट्रेटेजीज तैयार करता है, प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूट करता है। कौन? हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पर फोकस नहीं करता, जैसे हमारा एयर एक्ट तो सिर्फ एयर के बारे में बात कर रहा है कि एयर को किस तरीके से प्योरीफाई कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। वाटर एक्ट वाटर को पोल्यूशन के बारे में बात करता है कि वाटर पोल्यूशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे वाटर को क्लीन कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये ओवरऑल इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की और इंप्रूव करने की। इट प्रोवाइड्स फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज दैट आर एस्टैब्लिश अंडर द वेरियस अदर लेजिस्लेशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, अदर अथॉरिटीज के बीच में क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। किसमें? ये अदर अथॉरिटीज जो भी इस्टेब्लिश हुई हैं, जो भी हमारे वेरियस अदर लेजिस्लेशन में जो भी हमारे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट रिलेटेड, उनके बारे में क्या करता है? उन सबको क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। यानी कि सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड, इट फिल्स द लेकुना क्रिएटेड बाय द सेवरल अदर डिस्टिंक्ट लेजिस्लेशन लाइक द वाटर एक्ट, एयर एक्ट। इट कनेक्ट्स देम टुगेदर एंड मेक देम मोर इफेक्टिव। ये क्या करता है? सभी एक्ट्स को, जो भी हमारे एयर एक्ट हो गया, वाटर एक्ट हो, उन्हें सभी को क्या करता है? कनेक्ट करता है एक साथ, और क्या कहता है? उन्हें और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। क्लियर? इट इज द ब्रॉड एंड कॉम्प्रेहेंसिव लेजिस्लेशन दैट कवर्स द डेफिनेशंस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड पैनल प्रोविजन एज वेल एज। ये जो हमारा लेजिस्लेशन है, यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सभी को चीजों को करता है डिफाइन करता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, ये सब चीजें, सभी पावर्स को बताता है, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। किसकी पावर्स, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनका फंक्शन है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को कैसे उन्हें पावर्स है, उनके पास की एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या क्या पैनल प्रोविजंस होते हैं, ये सभी चीज क्या करता है? कंटेन करता है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कि अगर किसी पर्सन ने क्या करा, स्टैंडर्ड से ज्यादा हमारा क्या करा, एक्सेस अमाउंट पे हार्म पहुंचा एनवायरनमेंट को, तो क्लोजर ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये सब बारे में बताता है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्या पावर्स है, क्या चीज है। आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन वाइज, यानी कि 26 के 26 सेक्शंस आपके कवर करे जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो जल्दी अपलोड हो रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, और जो सपोर्ट दिखा रहे हैं उन्हें थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।